What are inbuilt data type in Python? What do you mean by mutable data types and what do you mean by immutable data types and what is the difference between the both? To know about everything about these topics, watch the video till the end. डेटा टाइप के बारे में बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल चीजें क्या होती हैं। तो म्यूटेबल जो होता है इट मींस चेंजेबल, यानी कि जिस चीज को हम चेंज कर सकते हैं। इम्यूटेबल का मतलब होता है नॉन चेंजेबल थिंग्स, यानी जिन चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते। इसको आप लिविंग और नॉन लिविंग की एग्जाम्पल भी ले सकते हो। जैसे कि मान लो मैं एक लिविंग क्रिएचर हूँ, कल को मेरी बॉडी में चेंजेस आएंगे, कल को मेरे बाल बड़े होंगे छोटे होंगे या मेरा पेट बढ़ेगा कम होगा, ये सब चीजें, ये सब चेंजेस मेरी बॉडी में देखने को मिलेंगे। सिमिलरली अगर मैं किसी नॉन लिविंग थिंग का बात करूं, जैसे कि मान लो ये बोतल हो गई, तो ये आज भी जिस तरह से दिख रही है कल भी उसी तरह से दिखेगी, तो इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। तो जो लिविंग क्रिएचर है, यानी कि जिसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, उन सब चीजों को हम म्यूटेबल का नाम दे सकते हैं। और सिमिलरली जो नॉन लिविंग थिंग्स थी जिनमें किसी भी तरह का चेंज नहीं हो सकता, उन सबको हम इम्यूटेबल चीजों का नाम दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल वर्ड का पता चल गया हो कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। पाइथन में एक्चुअली बहुत ज्यादा डेटा टाइप्स होते हैं जिनको दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है। एक होता है म्यूटेबल और दूसरा है इम्यूटेबल। जो जो भी डेटा टाइप्स चेंज हो सकते हैं या फिर जिनमें भी जिस किसी भी तरह का चेंज हो सकता है उनकी वैल्यूज में, उनको हम इम्यूटेबल डेटा टाइप कहते हैं। लेकिन जिनमें हम चेंज नहीं कर सकते, जो एक बार अगर बन जाए तो उसी फॉर्म में रहते हैं, उनको हम इम्यूटेबल डेटा टाइप कहते हैं। जैसा आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि डेटा टाइप जैसे कि बुलियन हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, टपल हो गया, फ्रोजन सेट हो गया, ये सारे के सारे इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं, यानी कि इनकी वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर मैं म्यूटेबल डेटा टाइप्स की बात करूं तो जैसे लिस्ट हो गया, सेट हो गया और डिक्शनरी हो गया, ये सारे के सारे म्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं जिनकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं इन्हीं चीज को प्रूव करके आपको बताऊं तो किस तरह से बता सकता हूं, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक इंटीजर की एग्जांपल ली, a इज इक्वल टू 5 लिखा है। होप कि आपने इस वीडियो से पहले मेमोरी मैनेजमेंट इन पाइथन वाली वीडियो देख ली होगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट होती है। तो इस वीडियो में मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने मेरी वो वाली वीडियो देख ली होगी। तो जिस तरह से यहां पे मैंने a इज इक्वल टू 5 लिखा है, a जो है वो स्टैक मेमोरी में स्टोर होगा और 5 जो है वो उसकी हीप मेमोरी में जाकर स्टोर होगा। इसमें a सिर्फ एक रेफरेंस होता है जो कि 5 को डिनोट 5 को रेफर कर रहा होता है। नेक्स्ट लाइन में जैसे मैंने उसका टाइप लिखा और उसके बाद मैंने उसकी आईडी लिखी, तो इसमें जो a है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है जो कि इंटीजर है, इसलिए a की जब हम टाइप फाइंड करेंगे तो वो इंटीजर आ जाएगा। उसके बाद उसका जो आईडी है वो भी हमने फाइंड कर लिया। अब अगर मैं वही वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल में डालना चाहता हूं, जैसे कि मैंने b इज इक्वल टू a लिखा, अब इस केस में क्या होगा कि जब मैं इस चीज को प्रिंट करवाऊंगा इसके टाइप और आईडी को, तो मुझे सिमिलरली जिस तरह से मुझे a के वो सारी की सारी चीजें मिली थी, उसी तरह से b की सारी वही चीजें मिलेंगी, यानी कि उसका टाइप इंटीजर होगा और उसकी आईडी भी सेम वही होगी जो a की थी। ये दोनों ही वेरिएबल एक ही वैल्यू को जाकर रेफर कर रहे हैं। अब उसके बाद मैंने a इज इक्वल टू a प्लस 1 कर दिया, यानी कि जो वैल्यू मैंने वहां पे रखी थी उसको मैंने मॉडिफाई करने का ट्राई किया, उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर दी। अब मैं अगर इसकी वैल्यू को टाइप को पहले प्रिंट करवाऊंगा और उसके बाद मैं इसकी आईडी को प्रिंट करवाऊंगा, तो जैसा आप देख रहे हो कि टाइप उसका इंट ही रहा लेकिन उसकी आईडी अब चेंज हो चुकी है। इट मींस कि अब उसका कोई और ऑब्जेक्ट बन गया है जो कि है 6। जब आप हीप मेमोरी में जाओगे तो वहां पर आपको 5 वाला ऑब्जेक्ट भी मिलेगा और 6 वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा, यानी कि 5 में किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ। इसी को प्रूव करने के लिए अगर मैं b वाली वैल्यू को फिर से प्रिंट करवाकर देखूं तो मुझे वही सेम रिजल्ट मिलेंगे जो कि मुझे पहले मिल रहे थे। अब सिमिलरली मान लो कि मैं किसी और वेरिएबल को फिर से उस 5 को रेफर करना चाहता हूं, तो किस तरह से कर सकता हूं। मान लो कि मैंने c इज इक्वल टू 5 लिखा, अब अगर मैं इसकी भी आईडी और इसका भी टाइप फाइंड करूंगा तो मुझे सेम वही रिजल्ट मिलेंगे जो मुझे b के केस में मिल रहे थे। इट मींस कि अगर एक बार जो ऑब्जेक्ट आ जाता है हम उस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। हाँ, उसको हम बाद में किसी भी तरह से रेफर करवा सकते हैं कोई भी और वेरिएबल का नाम यूज करके, लेकिन अगर उसकी वैल्यू हमने एक बार डिफाइन कर दी हीप मेमोरी में तो उसको हम बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। बाहर से लगता होगा कि जैसे मैंने a प्लस 1 किया तो उसकी वैल्यू में कुछ मॉडिफिकेशन होगी, लेकिन इंटरनली उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होता। तो आई होप कि आपको इम्यूटेबल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो इन केस ऑफ इंटीजर। सिमिलरली अगर मैं स्ट्रिंग के केस में ये सारे के सारे केसेस देखूं तो उसमें भी मुझे सेम ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इट मींस स्ट्रिंग भी एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। सिमिलरली बुलियन, फ्लोट,
टपल और फ्रोजन सेट, ये सारे के सारे इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं पाइथन में, जिसको प्रूफ करने के लिए आप ये सारे के सारे एग्जांपल उनको उस दौरान बता सकते हो। अब अगर मैं म्यूटेबल डेटा टाइप की बात करूं, वो वाले डेटा टाइप जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, तो इसमें लिस्ट, डेट और सेट आ जाते हैं। अगर मैं अभी आपको लिस्ट की एग्जांपल देना चाहूं तो किस तरह से दे सकता हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने एक लिस्ट की एग्जांपल दी, जिसमें मैंने सबसे पहले एक लिस्ट डिफाइन की ए के नाम से। अब ये ए जो है वो स्टैक मेमोरी में जाकर स्टोर होगा, ये बाकी की लिस्ट है 1, 11.2, नेटमैन और 9, ये सारे का सारा हीप मेमोरी में जाकर स्टोर होगा। उसके बाद मैंने इसका टाइप प्रिंट किया, आईडी प्रिंट की, तो मुझे वही रिजल्ट देखने को मिल गए जो कि मुझे सिमिलरली पहले देखने को मिल रहे थे, यानी कि क्लास उसकी लिस्ट आ गई और उसके बाद मुझे एक आईडी मिल गई। अब उसके बाद b इज इक्वल टू, अगर मैं a करूंगा, यानी कि मैं उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करवा रहा हूं किसी दूसरे वेरिएबल के साथ, सिमिलरली मुझे सारे के सारे सेम ही रिजल्ट मिल जाएंगे, यानी कि जब मैं टाइप और आईडी प्रिंट करूंगा मुझे सेम ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब लिस्ट में एक प्रॉपर्टी होती है कि आप उसके अंदर वाले जितने भी एलिमेंट है उनको मॉडिफाई कर सकते हो। मान लो कि मैंने उसमें 5 ऐड कर दिया, उसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं, a डॉट अपेंड, उसके बाद मैंने 5 ऐड कर दिया, उसके बाद जब मैं a की वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगा या फिर उसके टाइप और आईडी को प्रिंट करवाऊंगा, तो आप ये चीज देखिएगा कि जब मैं a की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूं तो मुझे 1, 11.2, नेटमैन, 9 और उसके साथ 5 भी मिल रहा है, लेकिन जब मैं उसकी आईडी चेक करूंगा तो आईडी उसकी सेम वही होगी जो मैंने पहले आईडी निकाल कर रखी थी। इट मीन्स कि मैंने उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर दी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट मेरा हीप मेमोरी में पड़ा हुआ था मैंने उसी को मॉडिफाई कर दिया, ना कि कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जो कि हम इम्यूटेबल डेटा टाइप में करते थे। जैसा कि इंटीजर को जब मैंने ऐड किया था तो उस टाइम पे उसकी एक नई वैल्यू ऐड हो गई थी, यानी कि 6 ऑब्जेक्ट जो था वो हीप मेमोरी में आ गया था, लेकिन लिस्ट के केस में वही वैल्यू मॉडिफाई हो गई, यानी कि जो एग्जिस्टिंग लिस्ट थी हमारे पास उसमें 5 ऐड हो गया विदाउट चेंजिंग इट्स आईडी। अब उसके बाद मान लो कि मुझे अगर बी की आईडी जो कि मैंने पहले चेंज की थी उसको भी मैं प्रिंट करवाऊं और उसको भी मैं अगर चेक करूं कि उसकी आईडी क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, तो सेम मुझे वही आईडी मिलेगी जो मुझे पहले केस में मिली थी, और सिमिलरली अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगा तो अब इसमें नए वाला जो मैंने चेंज किया था वो वाली वैल्यू मुझे देखने को मिलेगी। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को ए रेफर कर रहा था उसी की वैल्यू को मॉडिफाई जब मैंने किया तो उसके चेंजेस बी में भी देखने को मिल गए। अब सपोज कि अगर मुझे जो मैंने पहले वाला ऑब्जेक्ट बनाकर रखा था उसको मैं किसी और को रेफर करना चाहूं, मान लो कि सी इज इक्वल टू वही मैंने वैल्यू डाल दी 1, 11.2, नेटमैन और 9, जब मैं इसकी आईडी देखूंगा तो ये आईडी डिफरेंट होगी जो कि मैंने पहले ऑब्टेन की थी। इट मींस कि अब इसका एक अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है उस हीप मेमोरी में। तो आई होप कि आपको लिस्ट का कंसेप्ट समझ में आ गया है कि लिस्ट में हम अपडेशन कर सकते हैं, किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसके एलिमेंट में, जिसके कारण उसको म्यूटेबल डेटा टाइप का नाम दिया जाता है। सिमिलरली डिक्शनरी में भी हम ऐसा कर सकते हैं और सेट में भी हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं इसी कंसेप्ट के बेसिस पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर इन बिल्ट डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो इसमें सिर्फ आपको नाम बताने की जरूरत है, तो आप ये आंसर उनको उस दौरान बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल डेटा टाइप एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो ये दोनों के डिफरेंसेस बताने की जरूरत होती है और इनकी एग्जांपल भी देने की जरूरत होती है। कैन यू प्रूव हाउ अ लिस्ट कैन बी ट्रीटेड एज ए म्यूटेबल डेटा टाइप। लिस्ट को म्यूटेबल डेटा टाइप क्यों ट्रीट किया जाता है, तो इसको प्रूव करने के लिए कह दिया जाता है। सिमिलरली बाकी के सारे डेटा टाइप्स के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इलेबोरेट करके बताना है। जो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई सिमिलरली आपको वो सब में यूज करनी है, तो ये सारे के सारे आंसर आप उनको उस दौरान बता सकते हो। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट और इससे जुड़े क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हों। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।